स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का संस्मरण दद्दा, जो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है। इसके माध्यम से आप यह पढ़ते हैं, आपने इसमें सार लिखना आता है बेटा आपको एग्जाम में, और आपने जो पूरा संस्मरण पढ़ा है उसके सार को आपने इसमें लिखना होता है। आइए, मैंने आपको जो पूरा सार है संस्मरण का उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के रूप में आपको तैयार करके दे दिया है। इसमें से जब आप बिंदुओं के माध्यम से, कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से जब आप किसी भी रचना का सार तैयार करते हैं, तो एक तो आपको इससे लिखना, समझना, याद रखना आसान हो जाता है। एक एक पॉइंट को लेकर के आप अपनी कुछ पंक्तियां बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी विषय के बारे में, किसी कहानी का संस्मरण का सार लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेखक के बारे में, फिर उस पुस्तक के बारे में 2-4-6 लाइनें लिखनी होती है। तो जैसे ही आप ये सार लिख रहे हैं, सार को लिखना कैसे है इसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप लिखेंगे कि संस्मरण मैथ, ये जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने समय के कुछ साहित्यकारों से जुड़े हुए कुछ छुए और अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। साहित्यिक दृष्टि से उनका क्या महत्व है, जो भी 2-3-4 पंक्तियां आपके पास आपको समझ में आती है कि महादेवी वर्मा के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि वो छायावादी काव्यधारा की कवित्री है और उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, और जो यह प्रस्तुत निबंध है इसका शीर्षक है दद्दा, और इन्होंने मैथिली शरण गुप्त, इस दद्दा शीर्षक संस्मरण के माध्यम से उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। साथ ही उनके जीवन के बारे में बताने के साथ ही उन्होंने कुछ एक बातें ऐसी भी बताई है जो पाठक के लिए, समाज के लिए भी काफी लाभदायक है। कुछ इस तरह की बातें हमने पहले लिखनी है और फिर लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दद्दा संस्मरण का सार इस प्रकार है। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं बेटा, और यदि आपको पॉइंट्स में न मिले, न याद रहे, तो आप याद रखने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे पहले लेखिका ने जो संस्मरण की शुरुआत है किस तरह से की थी कि लेखिका से मिलन। लेखिका क्या कहना चाहती है कि मैं दद्दा से कब, कहाँ, कैसे मिली, कब से मिली, कौन सी तारीख को मिली, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह मुझे सीधा सा उत्तर के रूप में कभी नहीं मिल पाया है। बस मेरे मन में एक बात जो है, एक स्मृति, एक याद ही इस तरह की है कि मैं जब उनसे मिली थी तो मेरे मन के अंदर जो है एक बेसुध बालिका का जो एक छाया चित्र उभरता है कि मैं एक कवि बनने के प्रयास में उनसे मिली थी। लेखिका ने एक याद रखी है ना, संस्मरण का अर्थ होता है याद, कि आपके पास जीवन में किसी से जुड़ी हुई कुछ घटना है, कोई याद है, तो उसके बारे में आप जिक्र करते हैं। तो लेखिका क्या कहती है कि जब मैं दद्दा से मिली थी, मैथिली शरण गुप्त जी से मिली थी, कब मिली थी, कैसे मिली थी मुझे नहीं पता, बस एक छाया चित्र सा है, एक स्मृति है, एक याद सी है कि मैं एक बेसुध बालिका थी और कवि बनने की इच्छा रखती थी। गुप्त जी का बाह्य दर्शन, बाह्य दर्शन का अर्थ क्या है कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेखिका के बाह्य दर्शन का तो व्यक्तित्व कैसा है कि ऐसा धारण रख सके कि उनका छोटा, मतलब जो है मध्यम आकार का मझोला सा कद था, साधारण सा, साधारण उनके शरीर का गठन था, कि ना मोटे थे ना पतले थे, गेहूं सा उनका रंग है, जो चीज आप याद रख सकते हैं। इसमें आपने क्या लिखना होता है बेटा कि उनके बाह्य दर्शन में, उनके पहनावे में, वेशभूषा में, जो जो चीजें आपको याद है कि वो एक हिंदू लगते थे, उन्होंने गले में कंठी पहनी होती है, धोती कुर्ता टोपी, गांधी टोपी पहनते हैं, अंगरखा है, साधारण सी पगड़ी है, गेहूं रंग है, इस तरह से महादेवी जी ने गुप्त जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से राष्ट्रीय है। फिर उसके बाद क्या आ गया, उनके स्वभाव की एक विशेषता और बता रही है महादेवी कि वो विनोद प्रिय है। विनोद का अर्थ क्या है कि उन्हें हंसी मजाक करना पसंद है। वो कभी भी जो है किसी से, उनका ये गुण उनको क्या देता है कि वो विनोद प्रिय है, हंसी करना पसंद है उन्हें, तो कोई उनको अपरिचित नहीं रहने देता। जिसके साथ भी वो मिलते हैं अपने हसमुख स्वभाव की वजह से सबको अपना बना लेते। इसको आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिख सकते हैं। आप एक पॉइंट को याद रखें कि वो हसमुख स्वभाव के हैं, विनोद प्रिय हैं, शब्द एक पर्टिकुलर रखने की जरूरत नहीं होती, जो आपको समझ में आता है। फिर क्या कहते हैं, परीक्षा के हथौड़े,
और उन परीक्षा के हथौड़ों से वो क्या बने, राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए। ये उनकी विशेषता है कि जीवन में उनको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, बहुत सारी आर्थिक परीक्षा भी हुई, सामाजिक परीक्षाएं भी हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की वहां भी उन्होंने कई तरह की परीक्षाएं दी। तो कहते हैं कि कई बार क्या होता है मनुष्य के जीवन में, जब परीक्षाएं ज्यादा देनी होती है तो खंड खंड बिखर जाता है, लेकिन वो क्या है, परीक्षा के हथौड़े के नीचे से टूटने की बजाय एक राष्ट्र कवि के रूप में हमें प्राप्त हुए। अर्थात अर्थ संकट था और भी कई तरह की दिक्कतें थी, उसके बावजूद उनका लालन पाषण पालन ऐसा हुआ कि उनके व्यक्तित्व में एक संतुलन था और वो परीक्षाओं से घबराए नहीं, इसलिए वो एक राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए। संतान और पत्नी वियोग, इस माध्यम से आप क्या लिख सकते हैं उनके जीवन की, जो आपने पढ़ा है। इसमें मेन बात यह है बेटा कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मूल पंक्तियां पढ़ी है उन्हीं के कीवर्ड्स के आधार पर आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि संतान और पत्नी वियोग, इसको पंक्ति को पढ़ते के साथ ही आपको यह याद आ जाएगा कि वो 30 वर्ष के हुए तब तक 2 बार उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी, अर्थात 2 बार वो विधुर हो चुके थे। उनकी 10 संतानें हुई, उनमें से सिर्फ एक ही है, बाकी सबको उन्होंने अपने हाथ से ही संस्कार आदि किया। एक पुत्र है उसके प्रति वो है स्नेह है प्यार है, और एक बार उन्हें बार बार अपने संतान को खोने का जो भय है वो भी है। इसलिए उनके साथ क्या होता है कि वो अपनी संतान के लालन पालन को लेकर चिंतित भी रहते हैं। कवि व भक्त और उनके चरित्र की एक मुख्य विशेषता जो है, इसमें से आपने पंक्तियां बना करके लिखनी है कि गुप्त जी एक अच्छे कवि है और एक भक्त भी, अतः निर्माण भी उनके स्वभाव में है और निर्मित के प्रति आत्मसमर्पण भी। अगर आपको कोई मूल पंक्ति याद रह सकती है वो लिखें, नहीं तो सिंपल भाषा में लिखें कि कवि का अर्थ क्या है, कुछ नया लिखना, सृजन करना। सृजन का अर्थ होता है कुछ नया करना। एक अच्छे कवि के रूप में उनमें क्या है, निर्माण करना, सृजन करने का स्वभाव है। और भक्त के रूप में जो निर्मित हो गया है, जो बन चुका है, उसके प्रति समर्पण का भाव भी, आत्मसमर्पण भी है। कि इसका अर्थ क्या है कि जो वो करते हैं नया करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो एक भक्त के रूप में अपने आप को समर्पित रखते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं कि वो कभी किसी चीज के लिए दुख नहीं मनाते। इसका अर्थ क्या है कि गुप्त जी का जो स्वभाव है, जैसा दिखता है वैसा ही है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं रखते कि दिखते कुछ और है और है रियल में कुछ और। जैसे हकीकत में है वैसे ही दिखते हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे ही वो है। और इस तरह से वो क्या करते हैं कि रामायण आदि का भी उन्होंने, रामायण के आधार पर भी उन्होंने रचनाएं लिखी। और साथ साथ में इसका अर्थ क्या है कि जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन ग्रंथ है, उन्होंने उसका सम्मान भी किया और उसमें कुछ नयापन लाने का भी प्रयास किया। जैसे रामायण का उदाहरण देख के लेखिका ने लिखा है कि गुप्त जी ने रामायण को भी अपनाया, लेकिन रामायण के साथ साथ उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि उन पात्रों को भी सम्मान दे जिन पात्रों को पहले वाले रामायणकार भूल गए थे। आप चाहें तो एक उदाहरण दे सकते हैं कि उन्होंने जो साकेत नाम की रामायण लिखी है, जो राम कथा लिखी है, उस रचना का नाम साकेत है, और उसमें उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भी पूरा सम्मान दिया है। उसके जीवन के दुख के बारे में, वियोग के बारे में उन्होंने बड़े खुशी से लिखा भी है। इसके साथ साथ क्या है बेटा कि उन्होंने जीवन में परीक्षाएं बहुत दी है, संघर्ष किया है, और फिर वो सबके साथ मिलनसार स्वभाव के हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो कहते हैं कि साधनहीन के प्रति विनीत, कि जिसके पास किसी तरह का कोई साधन नहीं है, अर्थात जो गरीब है, जिसके पास कोई कमी है, ऐसे व्यक्ति के प्रति गुप्त जी क्या करते हैं, उसका उसके साधन जुटाने की कोशिश करते हैं। जब भी वो किसी की को दुखी देखते हैं, संकट में देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसका दुख दूर करने का प्रयास भी करते हैं। जगत दद्दा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जहां कहीं भी जाते हैं वो सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हुए चलते हैं जहां भी जाएंगे। तो गुप्त जी का स्वभाव कैसा है कि वो सबके कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं, चलते जाते हैं, साधनहीन के प्रति बड़ी विनम्र भावना उनके अंदर है। और इसके विपरीत एक स्वभाव और है अर्थदंभी के प्रति, वो क्या है, अर्थदंभी के प्रति असहिष्णु है।
अर्थदंभी कौन होता है? जिसे अपने धन का घमंड होता है। अर्थ का अर्थ है धन, दंभी का अर्थ है घमंड। जो बिना वजह, जो कुदरत की दी हुई चीजें हैं उनके प्रति जो घमंड करता है तो उसके प्रति असहनशील, असहिष्णु है, कि वो उनसे सहन नहीं होता। एक उनकी जो मुख्य बात है वो है स्पष्टवादी। वो कभी किसी से कहीं डरते नहीं है, स्पष्टवादी है, कि जहां जो बात कहनी है, जिसके बारे में कहनी है, जिसके सामने कहनी है, बड़े स्पष्ट रूप से बिना डरे बिना झिझके कह देते हैं। और इसी कारण क्या है कि उन्हें किसी प्रकार के सलाह मशवरा में स्थान देना मुश्किल है। आप एक एक शब्द से ये देखिए कि लेखिका ने उनके बारे में क्या कहा है, कि जब भी उनसे कोई बात की सलाह आदि करनी हो तो खतरनाक है। कभी भी किसी बड़े व्यक्ति की भी आलोचना कर देते हैं अगर वह गलत है। गोपन शास्त्र से अपरिचित, स्पष्टवादी और गोपन शास्त्र से अपरिचित, ये दोनों मिले जुले गुण हैं। अर्थात वो अपने मन में कोई बात रख नहीं सकते। गोपन शास्त्र का अर्थ कि किसी बात को गोपनीय रखना है, छिपाना है, तो वो इस विद्या से अपरिचित है। उनकी कथनी और करनी में समानता है। कथनी करनी में समानता का अर्थ क्या है बेटा? जो कहते हैं, कथनी का अर्थ होता है जो कहना, और करनी का अर्थ होता है करना। जो कहते हैं वो उसी को ही करते हैं, कथनी करनी में उनके समानता है। सभी के काम आने के इच्छुक, यह तो उनका स्वभाव। लेखिका ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि जब भी कहीं से निकलते हैं, गली मोहल्ले नगर आदि से, तो क्या होता है, सबसे राम राम करते हैं, और भाई कैसे हो, हाल चाल पूछते हैं, ठीक तो हो। कहीं किसी का मकान बन रहा है, वहां खड़े होकर उसकी मदद करवा देते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ के मैत्री क्षण गुप्त हैं, गुप्त जी हैं, चिर गांव, वहां पर तो क्या है कि सभी जो है राम राम जो है, एक नाम जो है अभिवादन बन गया। आपस में मिलने जुलने पर सभी एक दूसरे को राम राम करते हैं। किसी के बनते हुए मकान को देखना, दुकान, सलाह देना, अगर किसी को मदद की जरूरत है, मदद करना, सलाह की जरूरत है, सलाह करना, यह उनके स्वभाव में है। विरोध का भय व सतर्कता का अभाव, कि कोई उनको विरोध करे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध की आंधी का उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई मेरा विरोध करेगा। इसका अर्थ क्या है कि कोई बुरा भला कहे, आलोचना करे, तो गुप्त जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, वो अपने सम्मान के प्रति सतर्क है कि कोई मेरा सम्मान करे। जैसे आपने इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आपने कहीं जगह देखा होगा कि लोग छोटा मोटा कोई धार्मिक कार्य या कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले फोटो खिंचवाते हैं। उनको लगता है कि हमारा प्रचार होना चाहिए, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए। तो गुप्त जी के अंदर इस भावना का भी अभाव है। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, काम किया और मस्त हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है या कोई बुराई कर रहा है। मान सम्मान, मान और अपमान, दोनों में वो स्थिर हैं। दोनों में वो अपने मन को विचलित नहीं होने देते। हर स्थिति में वो प्रसन्न चित रहने वाले व्यक्तित्व के धनी है। साथ ही समाज हित व सुख के लिए समर्पित। गुप्त जी में क्या खास बात है कि वो समाज हित के लिए समर्पित है। कि अपने जीवन में कष्ट कितने देखे, 2 बार पत्नी चली गई, 9 संतानों को खोकर के आगे वो दुख के समुद्र को तैर करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। दुख के समुद्र को तैर करके जीवन में आगे बढ़े हैं। राष्ट्र कवि की संज्ञा उन्हें प्राप्त हुई है, राष्ट्र कवि के रूप में उनकी पहचान है। उनके जीवन में अपने कहते हैं कि पूर्वजों का जो ऋण होता है वह भी था, अर्थात आर्थिक संकट था, पूर्वजों के कर्ज को भी उन्होंने उतारना था। साधारण जीवन जीने के बाद भी उन्हें इस कष्ट के अंगार पथ को तय करना था, और एक 9 9 बच्चों को अपनी हाथ से मिट्टी का लोटा देना, अर्थात उन्हें दबा कर आना, संस्कार करना, यह कोई पिता के लिए छोटा दुख नहीं है। तो इस तरह के दुख का उन्होंने समुद्र पार किया है। अर्थात जहां धन संबंधी कष्ट एक अंगारों के रास्ते जैसा था, उसको पार किया है। इसी तरह से अपनों को खोने का जो दुख है, उसके समुद्र को पार किया है। इसलिए उनका व्यक्तित्व जो है दुख और सुख से परे हो चुका है। उनकी कथनी करने में समानता आ चुकी है। ठीक है बेटा।